आशा प्रकाश ने इस जिले के पालक मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर सिंह बांगड़े का मैं इनको नम्र निवेदन करता हूँ कि ये आपके सामने मार्गदर्शन करें। आदरणीय चंद्रशेखर बांगड़े जनों के हृदय पे राज करने वाले हमारे सभी के लाडले आपके सभी के चहेते अमित भाई शाह जी हमारे बीच में एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। भाई और बहनों, आप सबको मालूम है, आप सबकी चाहत थी भाई साहब, इतनी बारिश थी, इतनी बारिश के बाद ये लोग आपको चाहते थे, इसलिए यहाँ पर इतनी बारिश होने के बाद भी थी कोई घर नहीं गया, केवल आपको सुनने के लिए, आपको सुनने के लिए ये बैठे हैं। मुझे इस बात का अभिमान है कि नागपुर जिले में, मैं नागपुर जिले की बात करूंगा, भाई साहब अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे, लेकिन मैं यही कहूंगा भाई साहब, जब हमारी सरकार 2014 में आई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो यहाँ पर नागपुर जिले में जो सबसे कम था हमारे जिले में 24,000 करोड़ के काम माननीय नितिन जी और आपके माध्यम से मंजूर हुए और वो काम अभी नागपुर जिले में चल रहे हैं। यहाँ पर एम्स आया, ट्रिपल आईटी आया, आईएम आया, नेशनल लॉ स्कूल आया, सिम्बोसिस आया, ट्रिपल आईटी आई, सीपी राय आया और हमारे नागपुर को पूरे देश की नेशनल यूनिवर्सिटी नागपुर को मिली, इसलिए हम आपके जिले की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। मैं यह बहुत ही जानपूर्वक जवाबदार से कहता हूं कि आपने जब मुझे बिजली मंत्री बनाने का आदेश दिया था, उस समय इस महाराष्ट्र में 3,500 मेगावाट बिजली कम थी और 18,000 गांव लोड शेडिंग के नीचे थे। आपने आदेश दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई और आज मैं दावे के साथ कहता हूँ 18,000 गांव में लोड शेडिंग कम होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 7.5 लाख किसानों को हमने बिजली कनेक्शन दिया, हमने 19 लाख परिवारों को घर में बिजली दी, ये सब काम आपके नेतृत्व में हुए। यहाँ पर हम बहुत ही जवाबदारी से पूरे यादी के साथ हम रखना चाहते हैं, हमारे नागपुर जिले में किसानों को 1,75,000 किसानों को बीज जमा मिला, हमारे 82,332 किसानों को कर्ज माफी मिली 524 करोड़, हमारे जिले में 25,000 कनेक्शन मिले पंप के, वर्ग 2 में से वर्ग 1 हमने 56,000 किसानों का किया, सिंचन में हमने 6,63,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचन कराया, जलयुक्त शिवार में 888 गांव का काम हमने कराया, 807 पानी की योजना हमने बनाई, 2,500 पालक मंत्री पानन योजना के रास्ते बनाए, 1,295 किलोमीटर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के रास्ते बनाए, 2,288 किलोमीटर हमने इतर रास्तों का निर्माण किया, मुख्यमंत्री आरोग्य शिविर में 2,50,000 लोगों को लाभ दिया, आयुष्मान योजना हमने दिल्ली से लाई, 4.5 लाख लोगों ने लाभ लिया, 1.5 लाख शौचालय बने, 97,000 लोगों को सौभाग्य की बिजली मिली, 10,170 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ, 1,05,000 को रोजगार मिला, 59,000 लोगों को कामगार कार्ड मिला और 250 करोड़ आदिवासी इलाकों में मिले। भाई साहब, हम ये जिले में 5 साल में 50 साल में नहीं हुए इतने काम कर पाए। अब यहाँ पे कमलनाथ जी आते, यहाँ के विधायक ने कमलनाथ जी को लाया और कहा कि हम यहाँ का विकास करेंगे। आप बताइए भाई साहब, एमपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का विकास करेंगे? झूठ बोलने के लिए लाया गया। और यहाँ पे टीका टिप्पणी भाई साहब की कि चंद्रशेखर बावन कुल पे अन्याय किया, लोगों में भ्रम तैयार किया। भाई साहब, जिस कार्यकर्ता को आपने 2 बार जिला परिषद मेंबर बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, 1 मंत्री 2 बार मंत्री बनाया, बिजली मंत्री बनाया, एक्साइज मंत्री बनाया, 3 जिले का पालक मंत्री बनाया, झूठ बोलते हैं, आपको गैर समझ करते हैं। मेरे जैसे कार्यकर्ता को माननीय अमित भाई जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूर्व विदर्भ का प्रभारी बना के 32 सीटों के लिए काम करने के लिए बोला है। भाई साहब,
कि आप कहने से एक विधानसभा के बजाय 32 विधानसभा का काम कितना बड़ा मान मुझे दिया है, यही अपनी सबकी ताकत है। मैं आप सबको विनती करता हूँ, सुनील केदार जो गुंडा राज है, इस गुंडा राज खत्म करके निकले है। आज आप हमको कसम खाना है, यहाँ कसम खा के जाना है और आने वाले 21 तारीख को डॉक्टर पोद्दार जी के कमल चिन्ह पर इतने निशान लगाना है, इतने निशान लगाना है कि आज तक के इतिहास में महाराष्ट्र में कोई भी विधायक इतने वोटों से नहीं जीता, इतने थप्पे कमल पे मारना है। यही विनती इस जिले का पालक मंत्री होने के नाते मैं करता हूँ। आप सभी से गैर संबंध निकाल लीजिए और आज से 3 दिन रात दिन एक करके काम करिए, यही विनती कर रहा हूँ। डॉक्टर पोद्दार जी के नेतृत्व में ये जिले का हम निश्चित रूप से विकास करेंगे। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार की बाकी योजना लाएंगे, यही वादा करता हूँ। फिर एक बार अपने देश के हृदय में रहने वाले अमित भाई जी का जोर से ताली बजा के हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर यहाँ बारिश हुई है, बहुत जोर से बारिश हुई है, कीचड़ भी होगा। आप आए हैं अभी आपके कमल ही खिलेगा, अभी आप कमल ही खिलेगा। मैं एक ऐसे व्यक्ति मतलब जिसके अपन कई सालों से इंतजार कर रहे थे कि कब यह धारा 370 हटेगी, कब हमारा कश्मीर हमारा भारत में शामिल होगा, ये करके दिखाने वाले आप सबके लाडले आप सबके चहेते आदरणीय अमित भाई शाह, मैं इनको निवेदन करता हूं कि वो आपके सामने मार्गदर्शन करें। आदरणीय अमित भाई शाह, तय करेगा
थी कि इस प्रदेश के अंदर किस व्यक्ति की सरकार होगी, किस पार्टी की सरकार। धोखे में पड़ चुके एक और मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की देशभक्तों की टोली खड़ी है, देशभक्तों की टोली खड़ी है। और दूसरी ओर मित्रों, दूसरी ओर राहुल बाबा और शरद पवार जी के नेतृत्व में ये परिवारवादी पार्टियों का जमघट खड़ा। इन दोनों के बीच में महाराष्ट्र की जनता ने तय कर दिया। मित्रों, मैं आप लोगों को अपील करने के लिए आया हूं कि 5 साल में जो कांग्रेस एनसी की सरकार ने महाराष्ट्र को हर क्षेत्र के अंदर नीचे ले जाने का काम किया था, 5 साल के अंदर देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को देश में हर क्षेत्र के अंदर 1 से 5 नंबर देने का काम किया। मैं आज पूरे विदर्भ की जनता को अपील करने आया हूं कि आप आने वाले दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले इस भारत माता के महान सपूत वीर सावरकर की चर्चा निकली, और वीर सावरकर की चर्चा निकलते ही कांग्रेस वाले टेंटे टेंटे करने लगे। सावरकर जी के बारे में निर्बल बातें करना कांग्रेस को शोभा देता है, कोई सरकारी सम्मान नहीं मिला सावरकर जी को, ये वीर सावरकर की उपाधि, ये वीर सावरकर का शब्द सावरकर जी के सामने 125 करोड़ की जनता ने उनकी वीरता के कारण दिया है। मैं कांग्रेस के मित्रों को पूछना चाहता हूं, पूरे देश भर में से एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर निकालिए जिसको एक जीवन के अंदर 2 जन्म की को, पूरे देश भर में से एक भी व्यक्ति ऐसा निकालिए जिसके दोनों भाइयों को जन्म टिक्की काला पानी की सजा हो, दोनों भाई सेल्यूलर जेल में रहे, 10 साल तक एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाए, एक दूसरे का मुंह नहीं देख पाए। अंग्रेजों ने सावरकर परिवार की सारी संपत्ति 6 बार कुर्क की, और ये व्यक्ति आजीवन भारत माता के लिए लड़ता रहा, उसके बारे में आप ऊंची बातें करते। मैं महाराष्ट्र की जनता को कह रही कि सावरकर जी सिर्फ महाराष्ट्र के सपूत नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान का आन बान और सम्मान ये वीर सावरकर है, वीर सावरकर। कांग्रेस पार्टी के नेता जिस प्रकार से सावरकर जी का सम्मान कर रहे हैं, मैं महाराष्ट्र की जनता को कहने आया हूं कि जब आए प्रचार के लिए उनको पूछिए जरा, आपके पुरखों ने भी वीर सावरकर की एक कनी मात्र भी वीरता दिखाई है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया मैं समझता हूं, मुझे समझ में आता है। अभी अभी देश की जनता ने मई 2019 में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 300 से ज्यादा सीट लेकर सरकार बनाई, और मैं तो महाराष्ट्र और विदर्भ की जनता को 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करने आया हूं, 2 हाथ जोड़कर। महाराष्ट्र की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर मोदी जी की झोली कमल के निशानों से भर दी, कमल फूल से भर दी, और मोदी जी देश के पंतप्रधान, और पंतप्रधान बनने के बाद
देश की जनता ने मोदी जी को 300 सीटें दी। पहले ही सत्र के अंदर मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर है। ये धारा 370 जो 70 सालों से देश के अंदर आतंकवाद को आने का राजमार्ग, धारा 370 जिसके कारण कश्मीर के अंदर 90 से लेकर आज तक 40,000 लोग मौत के घाट उतरे। पाकिस्तानी आतंकवादी कश्मीर की धरती पर आतंकवाद का नंगा नाच नाच। ये धारा 370 जिसके कारण मां भारती का मुकुटमणि, पृथ्वी का स्वर्ग, हमारा कश्मीर देश के साथ एकता और अखंडता के साथ एकीकृत नहीं होता। और ये धारा 370 इतने साल तक कांग्रेस ने चलाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों को, महाराष्ट्र के चुनाव की मतदान की तिथि के पहले आप स्पष्ट करिए कि आप धारा 370 हटाने के पक्ष में है या नहीं। विद्रोह ये लोग नहीं करेंगे, मुझे मालूम है नहीं करेंगे। उनको अपनी वोट बैंक की राजनीति अच्छी लगती है, वोट बैंक की राजनीति। हम भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, सरकारें आएगी जाएगी, चुनाव जीतेंगे हारेंगे, मां भारती की सुरक्षा के सामने हमारे राजनीतिक हितों का कोई महत्व नहीं होता मित्रों, कोई महत्व। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री ने धारा 370 हटा दी। और धारा 370 हटाते ही कांग्रेस के पेट के अंदर दर्द होने की शुरुआत हो गई, दर्द होने की शुरुआत। मैं कहना चाहता हूं राहुल बाबा, अगर हिम्मत है, आप मानते हो कि धारा 370 नहीं हटानी चाहिए, तो देश की जनता को एक बार कह दो कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, धारा 370 फिर से लेकर आएगी। बाद में नागपुर वाले आपका क्या हस्तक्षेप रहे देखिए। विद्रोह कांग्रेस पार्टी सिर्फ धारा 370 तक सीमित नहीं है। यूपीए की सरकार थी, 10 साल तक चली, मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और जब प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया हर रोज घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, उसको अपमानित करते थे, मगर मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलते थे। भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री, उरी पर हमला किया, उरी पर हमला किया और पाकिस्तान को लगा क्या होना है, मगर वो भूल गए मित्रों कि इस बार मौनी बाबा मनमोहन की सरकार नहीं है, 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों। 10 ही दिन के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने अपने सेना के रणबांकुरों को हुक्म दिया, सर्जिकल स्ट्राइक करकर, एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों के पुर्जे पुर्जे उड़ाकर भारत के रणबांकुरे। पूरी दुनिया का देश को देखने का नजरिया बदल गया। पूरी दुनिया के अंदर पहले 2 ही देश ऐसे थे जो अपने जवानों के खून का बदला ले, अमेरिका और इजराइल। उन 2 दोस्तों की सूची में नरेंद्र मोदी जी ने मेरे और आपके देश महान भारत का नाम जोड़ने का काम कर दिया मित्रों, महान भारत। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक करी, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, और ये राहुल बाबा कहते हैं कि आप जवानों के खून की दलाली करते हो। राहुल बाबा शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं आती आपको?
जो जवान देश की सीमा पर अपनी जान दे देता है, इसकी शहादत को खून की दलाली कहते हैं। कभी गए हो शहीद हुए हुए जवान की मां का आक्रंद सुना है, इसकी विधवा के आंख के आंसू देखे, इसके यतीम बच्चों के सर पर कभी हाथ फेरा है? एक पूरा परिवार, एक जवान जब शहीद हो जाता है पूरा परिवार दुख के दर्द के अंदर एक समंदर के अंदर डूब जाता है, और आप उसको दलाली का शब्द कहते हो? प्रशंसा न कर सको तो न करो, उनकी शहादत का अपमान न करो मित्रों, उनकी शहादत का। अरे राहुल बाबा तुरंत है कि भाई साबिती क्या, साक्ष्य क्या कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई या नहीं? जैसे ही राहुल बाबा बोले, दूसरे दिन पाकिस्तान में कहा कि भाई हाँ साबिती कहा है, फोटोग्राफ लाओ वीडियोग्राफ लाओ। अभी 370 हटाए तो राहुल बाबा ने स्टेटमेंट ठोक दिया कि हाँ ह्यूमन राइट की स्थिति ठीक नहीं है। तो तुरंत पाकिस्तान ने राहुल बाबा को कोट कर कर यूएन में कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि ह्यूमन राइट की स्थिति ठीक नहीं है। ये राहुल बाबा और पाकिस्तान के बीच में क्या है, मेरी तो समझ में ही नहीं है। जो राहुल बाबा बोलते हैं वो पाकिस्तान बोलता है, और जो पाकिस्तान बोलता है वो राहुल बाबा कहते हैं। ये गुलाम नबी आजाद साहब कहते थे खून की नदियां बह जाएगी, धरती रक्त रंजित हो जाएगी। गुलाम नबी साहब कश्मीर के अंदर एक गोली चलानी नहीं पड़ी है, एक गोली चलानी नहीं पड़ी है कश्मीर आसान। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध करते करते हम देश की रक्षा के लिए भी जो काम करते हैं इसका विरोध करना शुरू। मुझे बताओ नागपुर वालों, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? अरे जोर से बोलो, हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए? हमने ट्रिपल तलाक हटाया, ये इसका विरोध कर रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है इनकी दिशा क्या। अभी अभी ईडी ने किसी के घर पर रेड पट करी, कुछ दस्तावेज मिल गए। एनसीपी के एक बहुत बड़े नेता का हाजरा बीबी के साथ एग्रीमेंट हाथ में आ गया। ये हाजरा बीबी कौन है भाई?